उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश के चलते चंपावत जिले के बनबसा इलाके में शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से ब्रिटिशकालीन शारदा बैराज प्रबंधन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही बैराज की सुरक्षा के मद्देनजर भारत और नेपाल के मध्य होने वाले आवागमन को बंद कर दिया गया है। वहीं बनबसा बैराज प्रबंधन का जिम्मा संभाल रहे यूपी कैनाल विभाग के एसडीओ ने बताया कि लगातार बरसात के चलते बनबसा बैराज में वर्तमान में 1.5 लाख क्यूसेक पानी का निकासी हो रही है, जबकि पानी की निकासी 2.5 लाख तक पहुँच सकती है। इसलिए बढ़ते पानी की संभावना को देखते हुए यूपी के बहराइच, पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, लखनऊ आदि विभिन्न जिलों को बाढ़ की संभावना को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है और अलर्ट भी है कि अभी ये बारिश 12 तारीख तक होगा। उसके मद्देनजर अभी बनबसा बैराज पे करीब 1,50,000 क्यूसेक पानी पास हो रहा है। भविष्य में बरसात को देखते हुए, जो भारी बारिश हो रही है उसको देखते हुए 2 से 2.5 लाख क्यूसेक पानी पास होने की संभावना है। इसके मद्देनज़र यहाँ हम लोगों ने जिससे प्रभावित जिले हैं यहाँ बनबसा बैराज से, सभी को सूचित कर दिया गया है। वो जिले मुख्यतः हमारे लखीमपुर खीरी हैं, सीतापुर हैं, पीलीभीत है, लखनऊ है, गोंडा, बहराइच, जो जाके शारदा रिवर हमारी सीतापुर में जाके घाघरा रिवर में मिल जाती है, तो उन सभी कंसर्न जिलों को हमने सूचना भेजी प्रेषित की। दरअसल बैराज प्रबंधन लगातार बरसात की वजह से शारदा नदी में पानी भरने की संभावनाओं को देखते हुए पानी के डिस्चार्ज पर नजर बनाए हुए है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।